डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर मेयर के रूस दौरे और मेट्रो को हुए एमओयू को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महापौर एजाज ढेबर की रूस यात्रा व्यक्तिगत है, इसमें सरकार शामिल नहीं है, न ही सरकार से कोई अनुमति ली गई है। फिर एमओयू कैसे हो गया? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये भी कहा कि अपनी निजी यात्रा के दौरान खुद को शासकीय प्रतिनिधि के तौर पर पेश करके मास्को में कथित एमओयू किया है जो वैध नहीं है। मेयर ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। बता दें, रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने एक दिन पहले मीडिया को वीडियो जारी कर बताया था कि रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलेगी। इसके लिए मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर नगर निगम और मॉस्को के बीच एमओयू हुआ है। इस पर मेयर ढेबर मॉस्को के मेयर और रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से साइन किया है। रायपुर के महापौर प्रथम नागरिक एजाज ढेबर ने एक बार फिर रायपुर की जनता के साथ भद्दा मजाक किया है, रायपुर की जनता को अपमानित किया है, रायपुर की जनता को धोखा दिया है। एक निजी यात्रा में, निजी यात्रा मास्को की, राज्य सरकार की अनुमति नहीं, केंद्र सरकार की अनुमति नहीं, और लाइट मेट्रो के लिए एमओयू कर रहे हैं। इससे भद्दा मजाक रायपुर की जनता के साथ हो नहीं सकता, इससे बड़ा धोखा रायपुर की जनता के साथ हो नहीं सकता जो यहाँ के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर की जनता के साथ किया है। बिना अधिकारिता के ये उन्होंने एमओयू किया है जिसका कोई आधार नहीं है। ना उस एमओयू में फंडिंग कैसे होगी, टेक्निकल असिस्टेंस किसका होगा, ये कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरी तरह से अधिकारिता विहीन है जो लागू ही नहीं हो सकता। 5 साल जिन्होंने एक सड़क नहीं बनाई रायपुर शहर में, विकास के एक काम नहीं किए, अब चुनाव नजदीक आता देखकर ये इस प्रकार का दिखावा, भद्दा मजाक रायपुर की जनता के साथ उन्होंने किया है। रायपुर की जनता महापौर एजाज ढेबर को कभी माफ नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं, मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और आप सबको पता है कि आज एक एमओयू हुआ है हमारे और मास्को रशिया के बीच में। ये टोटल 150 देश में 15 देश को चुना गया, जिसमें हमारे रायपुर शहर को भी चुना गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस जो सपना हमारे रायपुर के वासी देखते थे, जो सपना हमारा छत्तीसगढ़ देखता था, जो सपना मैं देखता था, वो सपना मुझे लगता है साकार होने जा रहा है। बहुत जल्दी इनकी पूरी टीम हमारे शहर रायपुर में आएगी और जिस ट्रेन में अभी मैं बैठा हूँ, अभी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं, अभी मैं उनसे बोलूंगा कि पूरा एक बार आपको ट्रेन भी पूरा आपको दिखाएंगे, वही सेम ट्रेन हमारे शहर में भी चलेगी। मैं अपने जितने भी मेरे वहां पर रायपुर के वासी उनको बहुत बधाई देता हूँ कि 3 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लगातार हम 22 में भी मास्को रशिया आए, 23 में भी हम मास्को और रशिया आए, अब 24 में जाके जो वो है हम लोग के बीच में एमओयू आज हुआ है। तो मुझे खुशी है कि हमारे शहर के लोग बहुत जल्दी लाइट रेल और मेट्रो रेल का मजा ले सके। नमस्कार। ये मेट्रो ट्रेन है, इसको चलाने के लिए हम बात कर रहे हैं अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसमें हम लोग सफर कर आए हैं। अभी मेट्रो रेल जा रही है, अभी कुछ क्षणों को पश्चात मैं आपको यहाँ पर लाइट रेल किस तरीके से चलती वो भी दिखाऊंगा। ये मेट्रो रेल आप देख रहे हैं।